नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आदमपुर छावनी में लगे कचरे के पहाड़ पर गुरुवार दोपहर आग लग गई। बीते एक साल में यह सातवां मौका है जब आदमपुर छावनी में आग लगी है। आदमपुर छावनी में बार बार आग लगना इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कचरे के इस आग से आसपास के 5 किलोमीटर एरिया में धुएं के कारण हवा दूषित हो जाती है। 20 फरवरी 2023 को आदमपुर छावनी में आग लगी थी। इसके बाद यह मामला NGT में पहुंचा था। भूजल और पर्यावरण में हो रहे भारी प्रदूषण के चलते NGT ने नगर निगम पर करीब 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। आदमपुर छावनी में आज की तारीख में कम से कम 7 लाख टन कचरा जमा हो चुका है। नगर निगम के तमाम दावों के बावजूद इस कचरे का साइंटिफिक डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है और बार बार लगती आग से इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कचरे के डिस्पोजल के लिए ही इस तरह की आग लगाई जाती है। 1500 मीट्रिक टन कचरा पूरे शहर में प्रतिदिन निकाला जाता है। 50% कचरे का ही कारण हो पाता है। इसमें से गुरुवार को दोपहर 12 बजे आदमपुर छावनी के प्रभारी राकेश शर्मा ने फायर कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना दी। फायर ऑफिसर रामेश्वर नील ने बताया कि माता मंदिर, बोगदा पुल, छोला, गांधीनगर और गोविंदापुरा फायर स्टेशन से कुल मिलाकर 15 दमकलों और 12 टैंकरों को रवाना किया गया। वहीं खंती में 2 दमकलें हमेशा तैनात रहती हैं जिन्होंने आग बुझाना शुरू कर दिया था। शाम 6 बजकर आग पर काबू पाया जा सका।